There is nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent. ये शब्द है पैट कमिंस के, ये शब्द है फाइनल की उस हार के टीम इंडिया के। पैट कमिंस ने फाइनल से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखा कि भारतीय टीम की तरफ पूरा क्राउड होगा, ये मैच, इस मैच का क्राउड एक तरफा होने वाला है। और ऐसा नजर भी आया, पूरा नीला समंदर जनसैलाब उमड़ा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम फाइनल मुकाबले के उस गवाह बनने के लिए, फाइनल मुकाबले के उस मैदान पर जहां आज भारतीय टीम ने यह मैच गवा दिया। ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व विजेता बन गया, ऑस्ट्रेलिया विजेता तो बना, पैट कमिंस हीरो बने, ट्रेविस हेड मैच के हीरो बने क्योंकि उन्होंने शानदार शतक जड़ा। चारों तरफ चर्चा हो रही है पैट कमिंस के उस वीडियो क्लिप की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर कमिंस ने इस बात को रखा था, इस बात को कहना बहुत कॉन्फिडेंट को उजागर करते हुए रखा कि हाँ, भारतीय जो पूरा क्राउड होगा उसको मैं साइलेंट करा दूंगा। भारतीय टीम कैसा भी मैच खेले उससे ज्यादा जो जरूरी है वहां पर वो है 1.3 लाख लोगों का वो क्राउड, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोगों को हम साइलेंट करा सकते हैं। अगर उन्हें हमने साइलेंट करा दिया तो इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती, और हुआ भी ऐसा ही। टीम इंडिया ये मुकाबला हार गई, टीम इंडिया ये मुकाबला 6 विकेट से हारी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम शानदार गेंदबाजी से इस मैच की शुरुआत करती है, पैट कमिंस के पक्ष में सिक्का गिरता है, भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जाता है और पैट कमिंस अपनी टीम की इतनी बेहतरीन अगुवाई करते हैं, गेंदबाजों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, वो स्टार्क हो, जैम्पा हो, हेजलवुड हो या फिर खुद जिम्बा संभालते हुए कप्तान पैट कमिंस, भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिहाज से तो इस पूरे मैच में कहीं नजर नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा ने 47 रन जो बनाए थे वो लग रहा था टीम का एक स्टार्टअप, टीम की एक मजबूती कि यहां से टीम कुछ कर सकती है, लेकिन गिल की विकेट, श्रेयस अय्यर की विकेट और फिर रोहित के जाने के बाद टीम इंडिया धराशाही नजर आई। और नजर क्यों भी ना आए, क्योंकि उसके बाद टीम में वो लय नजर नहीं आई। विराट कोहली ने जरूर अर्धशतक लगाया लेकिन वो भी बेकार गया, उसमें वो दमखम नजर नहीं आया, उसमें वो अटैकिंग मोड नजर नहीं आया जिसके लिए किंग कोहली जाने जाते हैं, ये टीम इंडिया जानी जाती है। पूरा मैच एक तरफा नजर आया। एक तरफा क्यों नजर आया, क्योंकि ये डोमिनेशन था, ये अनुभव था फाइनल का ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन ये कप गया सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, सीधे तौर पर ना केवल कप गया, उसके साथ साथ वो बात, वो लाइंस जो छप गई ना सबके जहन में, सभी भारतीयों के जहन में पैट कमिंस की, कि 1.3 लाख के क्राउड को चुप कैसे कराया जा सकता है, वो भविष्यवाणी, वो बात आज सच साबित हो गई। और कहीं ना कहीं पूरा देश निराशा में डूब गया, मायूस हो गया, किसी बुरे सपने जैसा है, किसी बुरे सपने से भी बेकार है ये दिन भारतीयों के लिए। लेकिन तारीफ करनी होगी टीम इंडिया की, क्या शानदार प्रदर्शन रहा पूरे टूर्नामेंट में, 10 मैचेस लगातार जीते, आज भी बल्लेबाजों ने निराश किया, हालांकि गेंदबाजी में वो दम नजर आया था। आप 47 रन पे 3 विकेट चटका देते हैं, उसके बाद जो ट्रेविस हेड थे वो पहाड़ बन गए, लेकिन टीम इंडिया की तारीफ करनी होगी, तारीफ करनी होगी इस ब्लू ब्रिगेड की जिसने पूरा टूर्नामेंट शानदार बनाया। चलिए, ये हार जीत है, ये खेल है और खेल में ऐसा होता ही रहता है, सिंपल यही कह सकते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। टीम इंडिया आगे ये कप कब जीतती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रेविस हेड की इस खास सेंचुरी और पैट कमिंस के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ, शुक्रिया।